नमस्कार, जीएस बाई डीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ साइंस के क्वेश्चन हल करेंगे, जो हिंदी भाषा में कैसे पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके साइंस में बनते हैं। तो आइए आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं रसायन विज्ञान के ऊपर आने वाले कुछ प्रश्न कि आखिर कैसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें केवल रेलवे के ही लिए नहीं है, बल्कि एसएससी और सीएचएसएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि आयरन को, ये क्वेश्चन आ चुका है सीएचएसएल में, क्वेश्चन है कि आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया लाभकारी नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि अगर आयरन है, लोहा है, उसको जंग लगने नहीं देना है तो कौन सी ऐसी तरीके को अपनाएं जिससे कि उसमें जंग न लगे, और उसमें कौन सा ऐसा तरीका है जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो हम लिख लेते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा प्रतिक्रिया लाभकारी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं, उस चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लाभकारी नहीं है। तो आपको इस तरीके की चीज़ों को बताना है कि लाभकारी नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है वो है ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना। ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना, अनिलन क्रिया करना। तो आप सबको मालूम है कि यहाँ पर ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना और पेंट करना लोहे को जंग से बचाने के लिए लाभकारी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लाभकारी है, तो ये क्या हुआ, लाभकारी नहीं है। तो आपका जो आंसर हो गया वो आंसर क्या हो गया, चार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बताना था वो ये है कि आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए अनिलन, यहाँ पे जो क्रिया है अनिलन क्रिया, लाभकारी नहीं होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विकृतीकृत अल्कोहल क्या है। विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, यहाँ पे बताना। विकृतीकृत देखिए, एक होता है प्योर स्प्रिट, एक और दूसरा होता है नॉन प्योर। तो यहाँ पर प्योर शब्द जो आता है वो यहाँ पर आपका जो बन जाता है वो अल्कोहल के रूप में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली होती हैं। और जो विकृतीकृत यानी इम्प्योर अल्कोहल होता है, तो इम्प्योर अल्कोहल जो होता है वो स्प्रिट बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है अल्कोहल का एक रूप है, पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। तीसरा है रंगीन अपद्रव्य होते हैं, इसका स्वाद मीठा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अल्कोहल का एक रूप है। दूसरा है पीने के लिए ठीक नहीं है। तीसरा है मीठा होता है। चौथा ऑप्शन इसमें दे रहा है कि रंगीन अपद्रव्य होते हैं। अपद्रव्य होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो जो विकृतीकृत अल्कोहल है, विकृतीकृत अल्कोहल जो है वो अल्कोहल का एक रूप है, ये सही है। पीने के लिए ठीक नहीं होता है, मीठा तो बिल्कुल हम इसे ले ही नहीं सकते, और रंगहीन अपद्रव्य होते हैं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, यानी विकृतीकृत अल्कोहल क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे है कि विकृतीकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जहरीले पदार्थ मिले होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है विकृतीकृत अल्कोहल
क्या है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे कि विकृतिकृत एल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही होता है। और यहाँ पर जो सबसे सही, जो सबसे एक्यूरेट है वो यही है कि एल्कोहल का काम शराब के रूप में पीने का होता है, तो विकृतिकृत एल्कोहल जो है वो पीने के लिए ठीक नहीं होता है। मीठा होता है, रंगीन अपद्रव्य होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ एल्कोहल का एक रूप है, ये सही है, लेकिन असली क्या है वो पीने के लिए ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है, प्रश्न है यहाँ पर। सूखी बर्फ किसका संघनित रूप है, तो यहां पे चार ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। चार ऑप्शन क्या है, ये सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत्यधिक शीतल जल होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, अत्यधिक शीतल जल होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाई ऑक्साइड होता है। तो सूखा बर्फ सबको मालूम है कि सूखा बर्फ का जो है वो, इसे कभी कभी कार्डिस भी कहा जाता है, और यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन है वो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आप जान लीजिए, कूलिंग एजेंट के रूप में होता है, आइसक्रीम वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं तो वहाँ पे संरक्षण करने के लिए इसे, इसका प्रयोग किया जाता है। सूखा बर्फ जो है -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पृथ्वी के जो वायुमंडल होता है, उस पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव पर परिशुद्ध होती है, यानी वहाँ पर इसे आसानी से पाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका मेन है क्वेश्चन, इस पर फिर अगर बन सकता है तो कहा जा सकता है कि सूखा कार्बन डाइऑक्साइड या सूखा बर्फ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका जो प्रमुख प्रयोग है वो कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित किए जाते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिए जाते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तेजी से आकर्षित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर आंसर में जो दिया है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन ये है कि पराचुंबकी प्रतिचुंबकी पराचुंबकी हो गया, प्रतिचुंबकी हो गया, लौह चुंबकी और सर्वव्यापी पदार्थ, लौह चुंबकी और सर्वव्यापी पदार्थ, तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो चुंबक के द्वारा तेजी से चुंबकित कर लिया जाता है, तो यहाँ पर जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वही तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो सही आंसर आपका जो होगा वह लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी ये वाला आंसर आपका सही होगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अपचयन प्रतिक्रिया में क्या होता है? अपचयन प्रतिक्रिया में क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश वर्ड कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हिंदी के छात्रों के लिए यह जो है क्वेश्चन आयर है ये बनाया गया है, ताकि जो हिंदी सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं, विज्ञान में कैसे हिंदी पूछता है, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, उसके लिए ये आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर हिंदी के अलावा इंग्लिश की डिमांड मत करिएगा, क्योंकि इंग्लिश भी आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, जो हिंदी से ही पेपर देते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन आयर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अपचयन प्रतिक्रिया में क्या होता है, प्रश्न है। अपचयन प्रतिक्रिया में क्या होता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का संकलन, दूसरे में है नाइट्रोजन का संकलन, नाइट्रोजन का संकलन, ठीक है, ये दो दो हो गया। तीसरा जो है ऑक्सीजन का संकलन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देख लीजिए, जो अपचयन प्रक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। हमेशा जब अपचयन होता है तो वो अपचयन में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी उसे मिलता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण की स्थिति में कमी हो जाती है। जब भी अपचयन की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो अपचयन प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन का हमेशा संकलन होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वहाँ पे संकलन ही होता है। संकलन के साथ, क्योंकि यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का संकलन, तो ऑक्सीजन का संकलन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होगी तभी अपचयन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संकलन होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन का संकलन। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासकर सीजीएल 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिलिकॉन जो है इस किसका पॉलीमर है ये आपको बताना है। तो हम आपको पहले बता दें, जो सिलिकॉन होता है वो सिलिकॉन टेट्रा जो एल्किल है, टेट्रा एल्किल सिलिकेन, उसका पॉलीमर होता है। और यह टेट्रा आर्गेनोसाइलेन जो है कहलाता है, और सिलिकॉन का एक किस्म का निष्क्रिय सिंथेटिक इससे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आएगा उसमें टेट्रा एल्किल, जो टेट्रा एल्किल सिलिकॉन का भी ऑप्शन जरूर आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है वो है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, ड्राई क्लोरो सिलेन, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, फिर सिलेन है, एक ऑप्शन है इसमें सिलेन है, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है वो है टेट्रा एल्किल सिलेन।
टेट्रा एल्किल सिलीन। तो हमने आपको ये बताया कि सिलिकॉन जो है वह टेट्रा एल्किल सिलीन का पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा टेट्रा एल्किल सिलीन। तो टेट्रा एल्किल सिलीन का यह एक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है, यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो कोलाइड में जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है सोडियम क्लोराइड, यूरिया, रक्त। चौथा है इच्छु सरकरा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक कोलाइड, अब यहाँ पे जब प्राकृतिक कोलाइड की बात आती है तो कोलाइड जो कहते हैं वो मिश्रण के अच्छे उदाहरण होते हैं, हमेशा कोलाइड जो होते हैं वो मिश्रण के अच्छे उदाहरण होते हैं। रक्त जो है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। तो रक्त जो प्राकृतिक कोलाइड होता है तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो तीसरा सही माना जाएगा, यानी रक्त, ठीक है। रक्त इसमें अक्षर, क्योंकि कोलाइड अन्य पदार्थों में छितराए हुए अन्य पदार्थों से होते हैं, और छितराए हुए जो कोलाइड होते हैं उनका अगर व्यास देखा जाए, कणों का जो व्यास देखा जाए वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच पाए जाते हैं, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कोलाइड जो है वो हमेशा मिश्रण का अच्छा उदाहरण है, तो मिश्रण ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक रूप में पूरी तरह से मिश्रण को तैयार कर सके। तो रक्त ही एक ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से चीज़ों को मिलाया रखता है, लेकिन अंदर जब उसके झांक के देखा जाता है तो वो पूरा अंदर से छितराया हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कोलाइड का सबसे अच्छा उदाहरण होगा वो रक्त हो गया। एक क्वेश्चन और बन रहा है जो CGL में ही आया है और साथ ही साथ रेलवे में भी आया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कॉस्टिक। जर्मन कॉस्टिक है, उसके बाद फिर है हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। यहां पे आपको बताना है कि किसमें सिल्वर नहीं होता है। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा हॉर्न सिल्वर। यहां पे जो हॉर्न सिल्वर दिया है यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हॉर्न सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। ग्रीक भाषा में इसे पेल ग्रीन कहते हैं, ग्रीक भाषा में, ग्रीक में इसे क्या कहते हैं, पेलग्रीन कहेंगे। और उसके साथ ही साथ इसका एक अन्य नाम होता है जो लैटिन होता है, लैटिन में इसे सिल्वर कहते हैं। तो लैटिन में इसका नाम जो होता है वो सिल्वर होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जर्मन सिल्वर है, रूबी सिल्वर है, जर्मन कास्टिक है, ये सब में सिल्वर कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन हॉर्न सिल्वर में सिल्वर नहीं मिलता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्यों? पहाड़ों पर जल कम तापमान में क्यों उबलता है? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर ही दे दे रहे हैं, ऑप्शन आपका जो कुछ भी दिया हो। यहाँ पर आप
का ऑप्शन अगर देगा तो क्या दे सकता है, पहाड़ों पर ठंडा होता है इसलिए कम तापमान को बोलता है। दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तीसरा ऑप्शन, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। चौथा ऑप्शन क्या, ऑक्सीजन कम होती है। तो कभी भी जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वायु दाब हमेशा कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो चीज़ें जल्दी से उबल जाती हैं। तो पहाड़ों पर जल जो है वो कम तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्योंकि शब्द जोड़े तो इसलिए उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायु दाब कम होने पर, ठीक है, तो वायु दाब कम होने पर ये उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, फ्रिज लिख लीजिए डायरेक्ट, फ्रिज खाने को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, यहाँ पे आंसर हम डायरेक्ट दे दे रहे हैं, ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। ऑप्शन जो हो सकता है वो कि न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी जब कम तापमान होता है तो बैक्टीरिया और फंगस नहीं लगते हैं, ये हो सकता है, या फिर इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, यानी कम टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। इसका और ऑप्शन क्या हो सकता है कि न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो जम जाते हैं अगर तापमान कम होता है। अगला क्या हो सकता है, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि कम तापमान पर बैक्टीरिया और फफूंद, जो क्योंकि फफूंद से ही खाना सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और बैक्टीरिया से सड़ने लगता है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि कम तापमान पर फफूंद और बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर कम तापमान पर फफूंद और बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर यह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो यहां पर अगला प्रश्न लिख लिया जाए, स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आंसर दे दे रहे हैं, स्टेनलेस स्टील में जो आपके तत्व होते हैं वो होता है आयरन, आयरन के साथ साथ क्रोमियम और निकिल, और साथ कार्बन भी होता है। तो आयरन, निकिल, क्रोमियम और कार्बन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो दिया है टंगस्टन का, तो यहाँ पर टंगस्टन नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन नहीं होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सीधे से ये जान लीजिए कौन कौन होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होते हैं, तो यहाँ पे हो गया आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन, तो ये होते हैं। इसके अलावा जो कुछ आएगा तो आप कह देंगे कि वो नहीं होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, माणिक्य, माणिक्य यानी रूबी, माणिक्य और रूबी, माणिक्य, माणिक को अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, माणिक्य और नीलम में किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, माणिक्य, रूबी और नीलम में किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर दे दे रहे हैं कि किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं। जो आपका माणिक्य होता है उसमें, और आपका जो नीलम होता है उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड।
तो ये इसे याद कर लीजिएगा क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन कोल कहा जाता है? ठीक है, प्रश्न है किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हम सीधे ही बता दे रहे हैं, किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। यहाँ पर आंसर क्या है? लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल भी कहा जाता है। ये हो गया आपका ब्राउन कोल। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपके और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डाल देंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे दे रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप चुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपका आता है वो ऑप्शन ऑप्शन आपका जो दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पदार्थ में रख लीजिए धातु, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, धातु के ही नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पर है तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। तांबा, लोहा, जस्ता, चौथा है सीसा। तो यहाँ पर जो तांबा है वो सर्वाधिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो तांबा नाम की जो धातु होती है वह सर्वाधिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तांबे को एक उत्कृष्ट धातु भी कहा गया है और यह इतना शुद्ध होता है कि इसका प्रयोग आदिकाल से लोग करते आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले कॉपर, तांबा यानी कॉपर को ही लोगों ने बर्तन के रूप में अपनाया था। तो तांबा जो है सबसे ज़्यादा मुक्त रूप में पाया जाता है, और मुक्त अवस्था में पाने के साथ साथ इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो संयुक्त अवस्था में भी मिलती हैं, तो इसको जल्दी से एक्वायर कर लिया जा सकता है इसके अयस्क से, यानी इसके ओर से, तो इसके अयस्क से इसको जल्दी से प्राप्त कर लेने के कारण जो तांबा है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आज का सेशन केवल यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में और ढेर सारे क्वेश्चन और ढेर सारी व्याख्या के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।